शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग के मकाम से अपना रास्ता मालूम कर सकूं। फिर जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहां पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। कयामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूं कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए, तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है कहीं तुमको उसके यकीन से रोक ना दे, तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और ऐ मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। फरमाया कि मूसा इसे जमीन पर डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो यकायक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो कि वो किसी ऐब बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशानात दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को, उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें, तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की गई और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है, वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया उसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन वहां फिरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इसको पाले पोसे, तो इस तरीक से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज न करें, और तुमने एक शख्स को मार डाला था तो हमने तुमको गम से नजात दी, और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदीन में ठहरे रहे, फिर ऐ मूसा तुम एक अंदाजे पर आ पहुंचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है, तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना। दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करने लगे या ज्यादा सरकश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं कि सुनता और देखता हूं। अच्छा, तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उसने कहा कि मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। कहा, तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है। वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रस्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे मुख्तलिफ नबातात पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। बेशक इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी दफा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई मगर वो तकजीब और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम भी तुम्हारे मुकाबले ऐसा ही जादू लाएंगे, तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि ना तो हम उसके खिलाफ कर रहे हैं और ना तुम, और ये मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। मूसा ने कहा कि आपके लिए यौम जीनत का वादा है और ये कि लोग उस रोज दिन चढ़े इकट्ठे हो जाएं। तो फिरौन लौट गया और अपने सामान जमा करके फिर आया।
मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि ये तुम्हारी बर्बादी होगी, अल्लाह पर झूठ न बांधो, वो तुम्हें अजाब से फना कर देगा, और जिसने झूठ बांधा वो नामुराद रहा। तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को नाबूद कर दें। तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कतार बांध कराओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो यकायक उनकी रस्सियां और लाठियां मूसा के ख्याल में ऐसी आने लगी कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही हैं। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा, खौफ न करो, बिला शुबा तुम ही गालिब रहोगे, और जो चीज यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो, कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको वो निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों के हथकंडे हैं, और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं होगा। इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और तुमको खजूरों के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा, और तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ करे, और उसे भी जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया, और अल्लाह सबसे अच्छा है और हमेशा बाकी रहने वाला है। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा न जिएगा, और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं हमेशा उनमें रहेंगे, और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए समंदर में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको न फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका ताकुब किया तो समंदर की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया यानी डुबो दिया, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला। ऐ आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की, और तुम पर मन और सलवा नाज़िल किया, और हुक्म दिया कि जो पाकीजा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हद से ना निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया, और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल नेक करे फिर सीधे रास्ते चले उसको मैं बख्श देने वाला हूँ। और ऐ मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की? कहा, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है, और सामरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा गुस्से और गम की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ऐ कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन हम उन लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया, तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया यानी एक बेजान जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है? और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इसके जरिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है, अब तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ऐ हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं तो तुमको किस चीज ने रोका था, यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि ऐ मां जाए, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें
کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا. موسیٰ نے فرمایا تو اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی, تو میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر دی, پھر اس کو بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا. موسیٰ نے کہا جا, تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, اور جس معبود کی پوجا پر تو جمع ہوا تھا اس کو دیکھ, ہم اسے جلا دیں گے, پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے. تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں, اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے. جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا, ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے, اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا. جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو یوں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی.